के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कृषि कानून को लेकर किसानों के 10 व 11 अप्रैल को 24 घंटे के लिए सोनीपत में लगाए जाने वाले जाम को लेकर वाहन चालकों की सुविधा के लिए मार्गों में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने कहा कि अति आवश्यक होने पर भी घर से निकले और भीड़भाड़ से बचे। उन्होंने कहा कि किसान संगठनों ने घोषणा की है कि 24 घंटे जाम लगाएं और जहां जाम लगने की संभावना है वहां कानून व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि पब्लिक व प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि जाम की वजह से लोगों को परेशानी ना हो उसका भी प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए वह लोग अपनी यात्रा स्थगित करें या दूसरे रूट से जाएं। वहीं उन्होंने सभी राजनीतिक नेताओं से अनुरोध किया है कि जिन भी राजनीतिक पार्टियों के प्रोग्राम हो वह पहले ही हमें बताए ताकि पुलिस प्रबंध सुनिश्चित किया जा सके। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों पर डीजीपी मनोज यादव ने कहा कि पुलिस ने मास्क ना पहनने वालों के चालान काटने की गति बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि इन दिनों पुलिस मास्क ना पहनने के 5 से 6 हजार चालान प्रतिदिन कर रही है। जी सर, हरियाणा पुलिस के जो अस्वस्थ कर्मचारी हैं उनके लिए एक नई कुर्सी जो है लाने जा रहे हैं, जो फिटनेस को लेकर खास ध्यान रखा जाएगा, किस प्रकार से जो है फिटनेस का ध्यान? देखिए, पुलिस अधिकारी को समय नहीं मिलता इतना कि वो अपनी सेहत का ध्यान रख सके, वो समय पर भोजन भी नहीं कर पाता है और ड्यूटियों की अधिकता है और मैन पावर की कमी है, इसलिए हर व्यक्ति क्षमता से अधिक कार्य करता है और उसकी सेहत धीरे धीरे सफर करती है। इसका असर हमें देखने में मिलता है आंकड़ों में। लगभग 200 व्यक्ति हरियाणा पुलिस के हर वर्ष नौकरी में रहते हुए असमय मृत्यु का शिकार होते हैं, जिसमें मुख्य कारण लाइफस्टाइल डिसीज है, जैसे हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इत्यादि। तो ये बीमारियां रोकी जा सकती हैं बेहतर लाइफस्टाइल से। तो सबसे पहले हम उनकी चेकिंग कराएंगे और ये चेकिंग, क्योंकि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, 50,000 से ज़्यादा लोग हैं, तो ये ऐप बेस्ड होगी ताकि उसके सुपरवाइज़र भी और वो एम्प्लॉई खुद भी अपनी सारी सेहत की जांच कर सके। और जो लोग डेंजर जोन में हैं या जिनके पैरामीटर्स बिगड़े हुए हैं उनके लिए एक्सरसाइज का, डाइट का और मेडिकेशन का एक प्रोग्राम चलाया जाएगा ताकि वो लोग अपनी सेहत को, खोई हुई सेहत को रिकवर कर सकें और असमय मृत्यु से बचें। तो सर, कब से ये शुरू किया जाएगा और किसी ऐप के माध्यम से भी जो है कर्मचारियों को, अधिकारियों को जोड़ा जाएगा? जी, कई कंपनियों से बात चल रही है और ऐसे कई ऐप मार्केट में हैं, तो हम उनकी मदद लेंगे और वो हम टोटल एक टर्न की सॉल्यूशन की कोशिश करेंगे ताकि वो उसमें हर चीज़ हो, टेस्टिंग भी शामिल हो, ट्रैकिंग भी शामिल हो और एडवाइस, मेडिकल एडवाइस भी शामिल हो। जी, तो सर, ऐसा प्रयास पहले भी किसी राज्य पुलिस द्वारा किया गया है या पहली बार हरियाणा पुलिस ये करने जा रही है? नहीं, समय समय पर किया गया है, पर इतने संगठित रूप से समस्या के सभी आयामों को देखते हुए मेरा मानना है शायद पहली बार हो रहा है। तो सर, एक जो 10 और 11 अप्रैल को किसान जो जाम लगा रहे हैं जी, उसको लेकर क्या प्रबंध है पुलिस के? उसमें हम लोग ने, जैसा कि आपको मालूम है, किसान संगठनों ने घोषणा की है, जो संयुक्त किसान समिति है, कि लगभग 24 घंटे वो जाम लगाएंगे और वो कल सुबह शुरू होगा और परसों सुबह तक चलेगा। ये जाम सिर्फ केएमपी पे लगाया जाएगा, केएमपी और केजीपी पे। तो उसमें हमने उन हरियाणा में जहाँ पे जाम लगने की संभावना है वहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं ताकि किसी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान ना हो, साथ ही जाम की वजह से आम नागरिकों को असुविधा ना हो, इसके लिए हम एक एडवाइजरी भी जारी कर रहे हैं केंद्रीय रूप से और लोगों से ये अपील करेंगे कि वो जो हमारे राज्य हैं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि से दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को और दिल्ली से इधर आने वाले वाहनों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दो मुख्य राजमार्ग ऑलरेडी अवरुद्ध हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एडवाइस देंगे ताकि वो अपनी जर्नी पोस्टपोन करें या दूसरे रूट से जाएं ताकि उन्हें असुविधा ना हो। सर, अब धीरे धीरे जो लीडर्स हैं वो भी अब लोगों के बीच में उतर रहे हैं, जैसे सीएम की बात करें, डिप्टी सीएम की बात करें, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या हम आने वाले समय 4G 3G लेयर को उन्हें सुरक्षा देंगे ताकि किस तरह की अप्रिय स्थिति ना सामने आए? जी, ये हम इसके लिए भी हमने सभी राजनीतिक
नेताओं से अनुरोध किया है कि जो भी उनका कार्यक्रम हो हमें एडवांस में बताया जाए ताकि हम देख सकें किस प्रकार की वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है और उसके लिए समुचित पुलिस प्रबंध किए जा सकें। हमारे लिए हमारा यही मानना है कि जो किसान आंदोलन है वो लगभग 4 महीने से चल रहा है और कहीं भी पुलिस ने उसको डिसरप्ट करने का प्रयास नहीं किया है या किसी और ने, और किसान हम चाहते हैं कि हर आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चले। और इसी प्रकार जो दूसरे समूह हैं चाहे वो राजनीतिक हों या सांस्कृतिक हों वो भी अपना कार्य कर सकें। तो मेरी सभी से ये अपील है कि किसी का प्रोग्राम डिस्टर्ब ना करें, प्रजातंत्र में हर एक को अपनी बात कहने का अधिकार है, और लेकिन यदि कहीं पे कोई डिस्टर्ब करेंगे तो हरियाणा पुलिस उस चुनौती का सामना करेगी। सर, तो पुलिस किस प्रकार से सख्ती करने जा रही है, क्योंकि पब्लिक प्लेस पे देखा गया है कि लोग बहुत से ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनको क्या कहते हैं? देखिए, अभी जब ये समस्या थोड़ी बढ़ी मार्च महीने के मध्य से, तो हमने सभी पुलिस अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को और पुलिस आयुक्तों को ये आदेश दिया कि दवाई भी और कड़ाई भी, इस जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है इसको देखते हुए पुलिस पब्लिक प्लेसेस पे जो मास्क की को पहनने को सुनिश्चित करने के लिए चालान करे। और मैं बताना चाहूँगा कि पहले हम लगभग इस समय 5 से 6 हज़ार चालान प्रतिदिन पुलिस कर रही है और साथ में लोगों को जागरूक भी कर रही है और उनको फ्री मास्क भी दे रही है। मैं आपके माध्यम से सभी आपके जो दर्शक हैं और श्रोता हैं उनसे मैं ये अपील करूंगा कि इस समय देश में दोबारा एक बार लगा हमने काबू कर लिया है, लेकिन दोबारा ये समस्या विकराल रूप से बढ़ रही है। अपने परिवार की, अपनी खुद की सेहत की, अपने गली मोहल्ले और अपने समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मेरी सभी जो दर्शक हैं आपके चैनल के, उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि सामाजिक दूरी हर हालत में बना के रखें और उसके साथ साथ जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि मास्क से ये बिल्कुल रिसर्च में पाया गया है कि 70% तक बचत होती है। जितना मतलब वैक्सीन का असर होता है उतना ही लगभग मास्क का होता है। तो जब तक हमें समाज में जहाँ भी जाएं हम अपना मास्क पहने और पब्लिक प्लेसेस पे विशेष तौर पे और भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें और खुली हवा में सांस लें, और जो आपको काढ़ा लेना है या आपको सामाजिक दूरी बना के रखनी है या बार बार हाथ धोते रहना है, ये सब जो आपको चीज़ें बताई गई हैं उनकी पालना करें। और जो लोग एलिजिबल हैं यानी जो 45 वर्ष से ऊपर हैं, वो सरकार के द्वारा जो टीकाकरण प्रोग्राम किया जा रहा है उसमें हिस्सा लें। कल शाम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले की जो जयंती है वो 11 अप्रैल को है, और हमारे संविधान के निर्माता श्री भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को है। इस 3 दिन के पीरियड को टीका उत्सव के रूप में प्रधानमंत्री जी ने बुलाने का आह्वान किया है। मैं सभी से अपील करूंगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में निकटतम टीका केंद्र में जाके आप लोग टीकाकरण कराएं और कोरोना को हराने के महायज्ञ में अपनी आहुति दें। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।